हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं हरियाणा सेट और या आपका कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर विमल जालान या पी चिदंबरम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि पायोनियर का जो श्रेय है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे, अंग्रेज अंततः मांगे मानने को तैयार हो गए थे, थर्ड ऑप्शन है चोरा चोरी में हुई हिंसा के कारण, या उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन जितने भी, क्योंकि साथ साथ काफ़ी सारे आंदोलन इकट्ठा जो सत्याग्रह हुए थे, ये 1922 में असहयोग आंदोलन का संचालन किया गया था स्वराज की मांग को लेकर, और इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना था। असहयोग मीन्स सहयोग न करना। लेकिन 5 फरवरी, कई बार पूछ लिया जाता है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी जो गोरखपुर में है, किसानों के एक जुलूस ने पुलिस पर गोलियां चला दी और क्रोधित भीड़ ने थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे, उनको जिंदा जला दिया था। यह चोरा चोरी कांड कहलाता है और इसी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि वो हिंसा के समर्थन में नहीं थे। थर्ड है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? आंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या सर निकोलस वेट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर को पराजित करके उनको भारत से निष्कासित कर दिया था, उनको हरा दिया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन - जनगणना के आधार पर है। 1961, 1971, 1981 या 1991। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1971, यानी 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था। और संविधान के 31वें संशोधन के अंतर्गत लोकसभा की वर्तमान में जो सदस्य संख्या, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है, 545 निर्धारित की गई थी, जिसमें 525 राज्यों की जनता द्वारा, 20 संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, और आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद यानी मनोनीत किए जाएंगे, और यह व्यवस्था 2026 तक रहेगी। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र यानी O3 जो ओजोन होल है, इसका निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। ऐसे रसायनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CEC और क्लोरीन एवं नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें होती हैं, जिनकी वजह से ओजोन परत पतली हो जाती है और उसमें छिद्र हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? सोमवती अमावस्या, पूर्णिमा, नवमी या त्रयोदशी?
राइट आंसर है ऑप्शन ए सोमवती अमावस्या। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? ब्रह्म सरोवर, पुंडरीक सरोवर, ज्योतिसर या हटकेश्वर सरोवर? राइट आंसर है ऑप्शन बी पुंडरीक सरोवर। क्योंकि सारे ही जितने भी ऑप्शंस हैं क्लोजली रिलेटेड हैं, तो मींस कई बार कन्फ्यूज़न हो जाते हैं क्योंकि सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर, लेकिन जो सतयुग से जिसका पानी नहीं सूखा है वो है पुंडरीक सरोवर। नेक्स्ट है, श्री चौरंगी नाथ द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? गौड़ीय मठ, अस्थल बोहर मठ, चंद्रकूप या पृथुदक? राइट आंसर है ऑप्शन बी अस्थल बोहर मठ। नेक्स्ट है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी या फिर किशन सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। क्योंकि ये अभी भी देखी जा सकती हैं जो कोस मीनारें होती हैं जीटी रोड पर। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? बुंदेला, जाट, सतनामी या सिख विद्रोह? राइट आंसर है ऑप्शन सी सतनामी विद्रोह। नेक्स्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1669 में कौन सा विद्रोह हुआ था और किसके शासनकाल में। मीन्स एग्जामिनर एक क्वेश्चन को 3000 तरीके से घुमा कर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं, मतलब प्रदेश पूछा गया है, तीन देशों नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। क्योंकि सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो तीन देशों से लगती हैं। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तकरीबन पूछ लिया जाता है ये वैसे तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है लेकिन ये करंट में भी पूछा जाता है। 19 अप्रैल 1975, 6 दिसंबर 1957, 31 जनवरी 1958 को या फिर 2 अक्टूबर 1980 को? राइट आंसर है ऑप्शन ए 19 अप्रैल। कई बार एग्जामिनर ईयर पूछ लेते हैं लेकिन कई बार इसके साथ मंथ भी पूछ लिया जाता है। आर्यभट्ट प्रथम भारतीय उपग्रह है और इसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को रूसी रॉकेट प्रक्षेपण सथल कोस्ट्रोम सोवियत संघ से किया गया था। नेक्स्ट है, सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? जैन, यहूदी, इस्लाम या ईसाई? राइट आंसर है ऑप्शन सी इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या डब्ल्यू सी बनर्जी? राइट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। क्योंकि 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कई बार पूछ लिया जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट है, राजगोपालचारी फॉर्मूला निम्न में से किससे संबंधित था? भारत पाक के बीच संपत्ति का विभाजन, देसी रियासतों का विलय, हरिजनों के लिए आरक्षण, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता? राइट आंसर है ऑप्शन डी कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक यानी तीलियां हैं? 20, 24, 32 या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यालय से हटा सकता है? लोकसभा, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? राइट आंसर है ऑप्शन बी
संसद, संसद भी राष्ट्रपति को सीधे नहीं हटा सकती हैं, वो भी राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा, राष्ट्रपति यानी इम्पीचमेंट द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता है लेकिन उल्टा दिखाई देता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उल्टा होता है लेकिन सीधा दिखाई देता है, ये वाला। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्व द्वारा, क्योंकि वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए गुरुत्वीय बलों का योगदान रहता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओम, ओम कुलाम, महो, महो कुलाम, यानी माइनस की वन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महो। पदार्थों द्वारा विद्युत द्वारा संचालित करने की क्षमता को, माप को विद्युत चालकता कहते हैं, इसका मात्रक महो होता है। नेक्स्ट है, पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, स्टाइरीन, एसिटिलीन, प्रोपीन या विनाइल क्लोराइड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनाइल क्लोराइड, क्योंकि पीवीसी विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और पीवीसी का उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस या नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। ट्राइटेरियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्राइटेरियम की खोज, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, इसकी खोज 1920 में वॉल्टर रसेल ने की थी। वॉल्टर रसेल ने की थी। नेक्स्ट है, पूर्वी राज्यों के जल संसाधन से संबंधित, पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, अगरतला, कोलकाता, गुवाहाटी या शिलांग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है, स्कैनर, बैकअप, हब या फायरबॉल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फायरबॉल। कंप्यूटर के क्षेत्र में फायरबॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो सुरक्षा नियमों पर आधारित इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और नियंत्रण रखता है कंप्यूटर सिस्टम का, और इसको सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल विश्वस्त और सुरक्षित इंटरनल नेटवर्क और अन्य बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के मध्य बैरियर स्थापित करता है, जिसे सुरक्षित या विश्वसनीय मीन्स नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए, नालंदा, उज्जैन, वाराणसी या विक्रमशिला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा, क्योंकि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस रही है सदा से ही। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में के अवशेष नालंदा में पाए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पटना बिहार से 64 किलोमीटर, पटना बिहार से 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान पर स्थित था। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। बाद में पाल शासकों के, पाल वंश के शासकों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया।
फलतः नालंदा का वैभव कम हो गया। नेक्स्ट है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती, सिंधु, व्यास या रावी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रावी। हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियां यानी जो नदी के मुहाने पर स्थित हैं, जिसे हड़प्पा रावी पर है, सिंधु इसमें दिया गया है, सिंधु पर मोहनजोदड़ो है, उसके बाद व्यास, उसके इसकी अदर डिटेल है, रोपड़ जो है वो सतलुज पर है, कालीबंगा घग्गर पर है और लोथल भोगवा नदी पर है। ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि वैसे तो हम ये स्थल याद रखते हैं लेकिन नदी के तट थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि किस नदी के तट पर है ये। नेक्स्ट है, भारत के निम्न जिलों में से कौन असम में अव्यवस्थित है? हमीरसर झील, कोलेरू झील, सुखना झील, चपनाला झील? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चपनाला झील। चपनाला झील असम में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसकी अलग से डिटेल भी देख लेते हैं ना, आंध्र प्रदेश में है, हमीरसर झील कच्छ जिला, गुजरात में, और सुखना झील चंडीगढ़ में, और ये काफ़ी फेमस है जो सुखना झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा केंद्र शासित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। बाकी जितने ऑप्शंस हैं वो टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट है, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों या संख्या को चुन लीजिए। मीन्स यहाँ पर जो ट्रिक दी गई है कि ये पैटर्न कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, जैसे ए बी ई एफ जी, ए ई एच और एन, ये सबसे नया तरीका है इसको सॉल्व करने का। बाकी सब थोड़ा अपने फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। बी जी के आर, यानी यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है, ई एफ जी यहाँ पर एक है, एच आई जे के दो आ गए हैं, एन ओ पी क्यू, तो इस तरह इसमें संख्या बढ़ रही है, डी एफ जी और एन डी ई। बाकी ये ऑप्शन फोर्थ वाला कैंसिल है, एफ जी एच ये वाला ऑप्शन कैंसिल है, बाकी रहते हैं दो, जी एच आई जे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा नहीं होता है तो बिल्कुल एक्यूरेट करना होता है। देन 36590, और तो ये 3690 कैसे हैं तो इसको देख लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन प्लस पे एंड पे, तो इसमें क्या हो सकता है? तो यहाँ पर 36 यानी ये ट्रिक हो जाएगी, 36 63 18 और 18 5 19 यानी मल्टीप्लाई है, 6 2 12 12 3 36। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मल्टीप्लाई करना है जस्ट। नेक्स्ट है, रहीम एक गाय 15% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 से ज़्यादा पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता। गाय का लागत यानी सीपी निकालना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि जो आपको सीपी है वो आपको एक्स मान लेना है। तो इसने क्या कहा है कि 15% हानि पर, ठीक है, और 10% का लाभ, तो यहाँ पर लाभ हो गया 110, एक्स बटे में 100 और हानि कितनी है 15 यानी 85 रह गया, बटे में 100 एक्स इज इक्वल टू 150। तो ये इक्वेशन है, क्योंकि मेन काम जो होता है वो इक्वेशन का होता है, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है।
सो आप इक्वेशन बनाइए मेनली, तो उससे अपना काम सारा अपने आप सॉल्व हो जाता है। एक जंगल में कुछ तोते एवं कुछ चीते हैं, यदि जंगल में जानवरों के सिरों की कुल संख्या इन टोटल संख्या 858, जानवरों के पैरों की कुल संख्या 1746 है, तो जंगल में तोतों की कुल संख्या क्या है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है कि या तो इसको सीधा ट्रिक, क्योंकि जितने सिर और जितने पैर हैं बटे में दो, अगर आप ट्रिक नहीं मीन्स आपको समझ आते तो इसको सिंपल कर दीजिए बिल्कुल। इसमें क्या है कि हमें तोते निकालने हैं, तो तोते मान लेते हैं एक्स, तो फिर इसमें अगर टोटल जानवर हैं तो क्या हो जाएगा 858 माइनस एक्स, जो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हम अगर मिस भी हो जाते तो इस तरह से निकल आता है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 1746, क्योंकि 1746 जो है वो जानवरों के पैर हैं, यानी इसमें दोनों आ गए हैं। तो देन इसको सॉल्व कर दीजिए 3432 आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 1746, ठीक है। सो ये हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 843। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। सो अगर ट्रिक नहीं याद है तो आप बिल्कुल सिंपल कर दीजिए, ये सिंपल से निकल आता है। नेक्स्ट है, दीपा ने 2 वर्षों के लिए 5800 रुपये की एक रकम का निवेश किया, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उपरांत उसे 594 पॉइंट ब्याज की रकम मिलेगी, कितने परसेंट। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो हम 8% मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा मूलधन, यानी 5800 रुपये हैं हमारे पास, तो 5800 प्लस और चक्रवृद्धि ब्याज जो लगा यानी 59.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5801 प्लस आर बटे में 100 और वर्ष कितने हैं 2, तो ये इसे निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 5%, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। देन एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, इसका आधार प्रत्येक बराबर भुजा का 1/1/2 यानी 3/2 गुना है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी लेंथ हमें निकालनी है। इसमें क्या होता है हमें कि हम मान लेते हैं कि जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें आधार बताया गया है 3/2, 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो भुजाएं होती हैं यानी एक भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी, ठीक है, और परिमाप दिया हुआ है ना 42 सेंटीमीटर, तो काफ़ी इजी है ये। सो ये हो जाएगा 42/3.5, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 12। नेक्स्ट है, तो राइट आंसर रहेगा इसमें, क्योंकि ये एक भुजा आ गई है तो जो अदर भुजा है वो उसमें जो एक्स की वैल्यू है हमें उसमें रख देनी है। सो 12 सेंटीमीटर, 12 और 18, क्योंकि 2 तो एक्स एक्स ही रहेंगे, सो इस तरह भी निकल आता है, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, यदि एक सिलेंडर जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट करना है। इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस 2πR का स्क्वायर, मींस यानी 2×22/7 गुना में 14, क्योंकि 14 दे रखी है, गुना 30 प्लस 14 गुणा में 14, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट आंसर रहेगा 3872 यानी ऑप्शन ए। बिल्कुल सिंपल और साधारण प्रश्न है, 6th स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट है, एक लोह पाइप का बाह्य व्यास, लोहे का पाइप है उसका बाह्य व्यास जो है 25 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यदि एक पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी यही फॉर्मूला पुट होगा, पाइप का सेम यही, क्योंकि सिलेंडर पाइप वाला सेम ही रहेगा, तो इसमें क्या होगा,
ये हो जाएगा 2 × 22 बटे 7 गुणा 12.5 गुणा में 20 प्लस 2 × 22 बटे 7 गुणा 11.5। ठीक है, गुणा 11.5 गुणा में 20 प्लस 2 × 22 बटे 7 12.5 का स्क्वायर माइनस 11.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग ब्रैकेट, दिस इज लॉन्ग ब्रैकेट। इसके आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 22 बटे 7, ये हो जाएगा 250 प्लस 230 प्लस 24, सो देन 44 हो जाएगा, 22 × 44 बटे 7, ये सारा स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी। देन इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 504 ऐड करके आ जाएगा, और राइट आंसर रहेगा 3168, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक संख्या में 3 अंक हैं, यानी कोई एक संख्या है 3 अंकों वाली है, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है। ठीक है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो संख्या क्या है, क्योंकि संख्या में से ही निकालना है, तो यानी 3 अंक है, बीच वाला जो अंक है, यानी इसने कहा है बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है, यानी 1 और 1 2, ये तो 4 और 2 6, और सो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन ए वाला, क्योंकि ये सेम ऐसे भी निकल आता है। अगर आपको डाउट रहता है तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि माना जो संख्या है 100x प्लस 10y प्लस z, मीन्स ए बी सी आप जैसे भी मान सकते हैं, इकाई दहाई का अंक, और इस प्रकार y बराबर x प्लस z, बस ये सॉल्व करना है आपको, क्योंकि ट्रिक के अनुसार ये वाली संख्या निकलती है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मेट निकलते हैं। ये देख लीजिए, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो पहले का एक का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये इसके बराबर भी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ये बिल्कुल राइट आंसर है। 8 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है, तो इनमें से 2 संख्याएं 0 हैं, बाकी बराबर गैर शून्य संख्या का मान क्या है, तो इसमें क्या करना है कि यदि गैर शून्य संख्या जो है वो अगर x मान लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगी, क्योंकि 2 संख्याएं 0 हैं और टोटल 8 है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 0, ध्यान से बनाना है, बाकी औसत 12 × 8 बहुत ही इजी है, तो ये हो जाएगा x बराबर 16, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी कुशल हैं, शेष अकुशल, यदि कुशल कर्मचारियों का 5/9 और अकुशल कर्मचारियों का 5/8 अस्थायी कर्मचारी हैं, तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं, जो स्थायी कर्मचारियों की संख्या 292 है, सो इसमें जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनकी संख्या बताई गई है, तो इसमें सीधा सा क्या करना है, जो कर्मचारी दे रखे हैं, यानी इसमें जो कुल कर्मचारी हैं वो हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी 2x गुणा में 5/9 प्लस x 3 गुणा 7/8 बराबर x की माइनस 292, तो ये स्टेटमेंट बनती हैं, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, सो आवर राइट आंसर इज 864, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है, अगर आपके पास समय है तो आप पहले इस तरह के क्वेश्चन ना कर सकते हैं, अगर समय कम है तो बाद में कीजिए, बाकी सबका अपना है हिसाब की कोई कैसे करता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में समय की थोड़ी कमी रहती है, थोड़ा एक्यूरेसी से
जो प्रश्न आपको इजी लगते हैं वो आप पहले कीजिए। नेक्स्ट, इन प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। अब यहाँ पर हैं जेड एक्स वी टी आर एन एल जे डैश डैश, तो इसमें देखिए कि क्या इसमें शूट करता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक्स वाई जेड आर एस टी एल एम एन, तो दो अक्षर आप पकड़ लीजिए फर्स्ट वाले। तो इसमें देख लीजिए कि ये वाली कौन सी डी ई एफ जी जी एच आई, ये सेम रहेगा एफ जी एच, तो जी एच आई और जी एच ये भी नहीं है, तो इन दोनों में देन वी पी जे, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, तो ध्यान से देख लीजिए इसमें एफ वी जो है 22 अक्षर है और पीछे से फिफ्थ रहेगा, तो फोर्थ रहेगा, तो इसमें जो फोर्थ अक्षर है दैट इज़ ऑप्शन डी, यानी ए बी सी डी, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्योंकि ट्रिक इसमें काफ़ी सारी चलती हैं, एक ट्रिक के ऊपर ये बेस्ड नहीं रहती है। नेक्स्ट है 113, 225, 449, तो इसमें कौन सा वर्ड आएगा? तो इसमें देख लीजिए कि ये चल रही है जैसे 132, दो दीछे दो एकम दो, 226 बन रहा है, तो माइनस वन, तो दूसरा चेक कर लीजिए, 225 को दो से गुणा करेंगे अगर, ठीक है, 25 10 4 5 दो दिन चार, तो सेम ये ट्रिक चल रही है, तो इसमें भी तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन बी, क्योंकि इससे दो से गुणा करके ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे भाई के दादा के इकलौते बेटे का इकलौता लड़का मेरा कौन लगेगा? तो सीधी सी बात है, मेरा भाई का दादा, यानी ये मान लीजिए ये मैं हूँ, ये कोई भी हो सकता है लेडी जेंट, तो यहाँ पर है मेरे भाई का दादा, पहले तो भाई, ये भाई हो गया, इसका फादर, ठीक है, इसका फादर यानी ये भाई का दादा हो गया। अब दादा का इकलौता बेटा कौन? ये हो गया इकलौते मेरे भाई के दादा के इकलौते बेटे का इकलौता लड़का यानी ये मेरा कौन लगेगा, भाई, माता, चचेरा भाई या बहन? तो बिल्कुल सीधा प्रश्न है ये, तो ये क्या लगेगा, जब इकलौता बेटा है तो चचेरा भाई लगेगा, थोड़ी सी सोचने वाली बात है, इकलौता कहाँ है ना, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चचेरा भाई। नेक्स्ट है, यदि बीते कल में पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, यानी जैसे आज, कल और परसों, यानी ये बैक मोशन कह रहा है कि अगर थर्सडे था तो रविवार कब होगा, तो इसका मतलब वीर शुक्र आज शनिवार है, तो रविवार कल हो जाएगा, यानी आज से दो दिन बाद, आने वाला कल, आने वाले कल से अगले दिन, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा, यानी ये उत्तर दिशा के सम्मुख मुंह करके खड़े हैं, वह 30 मीटर आगे चलता है, यानी ये कहीं पर भी यहाँ खड़ा है, उसका फेस इधर है, तो ये 30 मीटर इधर चला है, ठीक है, फिर उसके बाद वह 30 मीटर आगे चलकर, यानी 30 मीटर चलकर आगे बाएं मुड़ता है, तो यानी इसका फेस यहाँ पर है, तो बाएं हो गया है इसका इधर, और 15 मीटर जाता है, यानी ये 15 मीटर रहेगा। अब वह दाएं मुड़कर, यानी अब इसका फेस इधर हुआ, तो ये बायां, ये दायां, तो ये दाएं
मुड़कर 50 मीटर, यानी ये दायां मुड़ गया और ये हो गया 50, ठीक है। फिर उसके बाद वह अंत में दायां मुड़कर, तो इसका दायां हो गया इधर ये वाला, और वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि इधर जो होता है वो होता है पूर्व। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पूर्व। एक इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा, 0, 1, 3 या 4? क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है कि जो घन होते हैं वो 3 में होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 ओवर 1 × 1 × 1, तो ये हो जाएगा 27, क्योंकि तो 1 है। तो अब कौन सी संख्या निकालनी है जो बिना रंगा हुआ भाग है, तो इससे आगे हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n हो गया 3 − 2 का स्क्वायर यानी 1। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1। नेक्स्ट है, निम्न में से बेमेल को छांटिए, घोड़ा, गाय, चित्ता या गिद्ध। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिद्ध, क्योंकि ये सभी वैसे जानवर है और गिद्ध उड़ने वाला है, किसी भी तरह से हो सकता है। देन नेक्स्ट है, उन उत्तर आकृतियों को में से चयन कर प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला पूरी कीजिए। सो ये प्रश्न आकृतियां हैं, इसमें यहाँ पर 1 बन रहा है, इसमें ये 2nd और इसमें 2, तो इसमें आगे कौन सा पार्ट होगा? तो सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन, सो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, क्योंकि यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 4th, यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 2, 3rd स्टार्ट, फिर 3 पोर्शन में 3rd ये 1 पूरा कंप्लीट, और जो 4th है यानी ये यहाँ तक है, तो उसमें बनेगा ये हाफ वाला, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है, 17 बोगी अंदर से जुड़ी एक ट्रेन बीच के हिस्से में खोमचे वाला है, 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है, अब वह इंजन से आगे 3rd डिब्बे में चढ़ जाता है, अब वह पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है, 7 डिब्बे, 6 डिब्बे, 9 डिब्बे या ना 8 डिब्बे। तो इसमें क्या है, इसने सीधा सा, यानी टोटल तो 17 है, तो इसने क्या कहा है, बिल्कुल सिंपल है, ये एक केमचे वाला 6 डिब्बे पीछे आकर, तो 6 डिब्बे पीछे आ गया ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब वह इंजन से आगे 3rd डिब्बे में चढ़ जाता है, तो ये हो गया 3rd डिब्बा, ठीक है। और अब 17 में से 6 गए, ग्यारह हो गया, और फिर 17 में से 9 गए, तो यहाँ पर 9वां डिब्बा बनेगा, 3, 3, 6 और 3, 9, यानी 3 डिब्बे का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो अब वह पहले स्थान पर, क्योंकि यही समझना है कि इसमें टोटल क्या कहा गया है, पहले तो वो 6 डिब्बे यहाँ पर, ये 6 डिब्बे पीछे आकर फिर अगले स्टेशन पर उतर जाता है, अब इंजन के 3rd डिब्बे में दोबारा से चढ़ जाता है, तो अब वह अपने पहले स्थान से कितनी दूर चला गया, तो ये हो गया, यानी ये 9वां डिब्बा, 1, 2, 3 डिब्बे इसमें हैं, ठीक है। 6ठा डिब्बा, 1, 2, 3 यहाँ पर हैं, और फिर
एक दो तीन, ये तीसरा डिब्बा है, तो इसका मतलब वो अपने स्थान से 6 डिब्बे दूर है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है, सो इसमें दे रखा है कि यदि जो साइन है प्लस का तात्पर्य है से बड़ा, तो इसमें सीधा सा है कि आपको यही करना है, प्लस का मतलब से बड़ा, माइनस का मतलब से छोटा, और ये जो इस तरह का साइन दे रखा है इसका तात्पर्य है से नहीं बड़ा, ठीक है, नहीं कहा गया है। तो ए प्लस बी और बी माइनस सी किसकी तरफ संकेत करता है? ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए सी प्लस बी का स्क्वायर, या ए बराबर सी। तो इस तरह के जब हम प्रश्न करते हैं तो इसमें क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बड़ा है बी से, सीधी सी बात है क्योंकि ऐसे ही बोल रहा है, और बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस, माइनस क्या है यानी बी लेस देन सी, तो ये क्या हो गया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो गया माइनस, ए छोटा है बी से, ठीक है ना, यानी बी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट से, ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, यानी सी बड़ा है बी से। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, क्योंकि ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए सी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया। और इसमें क्या है कि ए सी बड़ा है बी के स्क्वायर से। नेक्स्ट है, अगर लिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। अब कमांड, तो यहाँ पर एम वाला जो वर्ड है वो पहले आएगा, तो इसमें देख लीजिए। सो फर्स्ट नंबर पर सी ओ एम, तो इसमें आएगा सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आएगा कमांड, इसमें ई आर सबसे पहले आएगा वन, तो बाकी दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, वी हैव लेफ्ट टू ऑप्शन, सो सेकंड ऑप्शन से ही निकल आएगा। सो इसमें जो दूसरा है सी ओ एम, सी ओ डबल एम ई आर, दूसरा रहेगा इसमें सिक्स, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रमेश 4 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ता है, यानी हर दिन दौड़ता है ये, देन शनिवार और रविवार को वह 1 किलोमीटर अतिरिक्त यानी प्रतिदिन दौड़ता है, तो सप्ताह में वह कुल कितने किलोमीटर दौड़ा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है कि जैसे 4 किलोमीटर प्रतिदिन, यानी उसमें से हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 4 किलोमीटर तो दौड़ा ये 5 दिन, ठीक है, और फिर बाकी के 2 दिन वो अतिरिक्त 1 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर दौड़ा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 20 + 10, तो ये हो गया 30 किलोमीटर, ठीक है। सो और अब प्रत्येक दिन, तो 2 सप्ताह, अब 2 सप्ताह पूछे गए हैं, यानी 1 में दौड़ेगा 30 और 2 में दौड़ेगा ये 60, वेरी सिंपल, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राम ने एक साइकिल 4,550 में बेची जो मौलिक कीमत से 30% ज़्यादा थी, साइकिल की मौलिक कीमत क्या थी, यानी जो बेसिक्स इसका जो रेट था वो देखना है कि इसमें से क्या हो सकता है। तो अब इसमें क्या करना है, जो ये एसपी है यानी 4,550 को क्या करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय 100/130, क्योंकि 30% इसमें ज़्यादा बेची है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट आंसर आएगा ऑप्शन
3500, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी NCL कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे या पणजी? राइट आंसर ऑप्शन सी, पुणे। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इनका निर्माण हुआ था इसका 6 अप्रैल 1947 को और 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा हासिल हुआ था। नेक्स्ट है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? काला सागर, सारगैसो सागर, अजो सागर या कैस्पियन सागर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर में तट रेखा नहीं है। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिम देशांतरों के मध्य स्थित जल क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यानी इसके ये 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिम देशांतरों। ठीक है, नेक्स्ट है, बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक या 6 महीने तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऊफ प्रोपोर्शनेट इज मिस प्रोपोर्शनेट, डिस प्रोपोर्शनेट, अप्रो प्रोपोर्शनेट या अप प्रोपोर्शनेट? सो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, डिस प्रोपोर्शनेट। द अपोजिट, क्यों यहाँ पर जो दिस इज ये अपोजिट है, यानी इसका जो अपोजिट पूछा गया है दैट इज प्रोपोर्शनेट इज डिस प्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट है, टू सीक यानी टेक परमिशन वी कैन से, मे आई टेक योर साइकिल, वुड आई टेक योर साइकिल, शुड आई टेक योर साइकिल या विल आई टेक योर साइकिल? सो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मे आई टेक योर साइकिल। क्योंकि अगर हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो हम जस्ट यही कहेंगे। नेक्स्ट है, डैश गंगा इज ए हॉली रिवर। सो आर्टिकल है ए एन द, ऑब्वियसली इसमें आएगा द, क्योंकि गंगा जो है वो एक बहुत पवित्र नदी है और फेमस है और नेचुरल जो चीज़ें होती हैं जैसे पर्वत, पहाड़, माउंटेन, रिवर्स, सो उन सब के आगे द आता है। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट डैश मिल्क फॉर द बेबी बिकॉज शी इज़ हंग्री, लिटिल अ लिटिल, फ्यू अ फ्यू। क्योंकि ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, अ फ्यू वाला और सम वाला, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अ लिटिल। क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, लिटिल थोड़ा सा, अ लिटिल बिल्कुल थोड़ा सा। नेक्स्ट है, शी पेंटेड द पिक्चर्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटी या ब्यूटीफाई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, 4-single item बिलिंग इन द सुपर मार्केट, यू नीड टू गो डैश लास्ट काउंटर, द नो आर्टिकल, द AAN। सो इस तरह का जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो इसमें फिल करके देखिए कि इसमें क्या शूट करता है। सो अदर ऑप्शन इज नो आर्टिकल द, सो 4-single item, सो देर इज़ नो नीड टू आर्टिकल हेयर, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, डैश यू किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स और ट्री टू मार्क डैश सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर फेस्टिविटीज। ऑप्शंस रहेंगे द, द, ए नो आर्टिकल, ए नो आर्टिकल और ए एन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द एंड द। नेक्स्ट है हिंदी,
जो अल्प यानी कम जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ज्ञाता, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ या जानकार। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्प यानी जानता है अल्पज्ञ, जो सारा सब कुछ जानता है दैट इज सर्वज्ञ। नेक्स्ट है, प्रत्यय में उपसर्ग लगा है, ई, आ, प्रति या प्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रति, यानी प्रत्यय के जो संधि होते प्रति प्लस अव। देन नेक्स्ट है, हिरण का समानार्थी शब्द है तुषार, सारंग, नभराज या यति। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारंग, कुरंग, सारंग, हिरण को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, वीर प्लस अंगना की संधि है वीरांगना, वीरंगना, वीरंगना या वीरांगना। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरांगना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेम ही रहते हैं, मजदूरों, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें, मजदूरों ने काम किया, मजदूरों ने पैसा लिया, मजदूरों ने काम किया, जब मजदूरों ने काम किया तब पैसा लिया, मजदूरों ने काम किया और पैसा लिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मजदूरों ने काम किया और पैसा लिया, यानी एंड या और से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है, चांदी, हीरा, मोती या सोना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदी। चांदी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे चांदी चमक रही है, जबकि हीरा, मोती, सोना इनको चमक रहा है, ऐसे कहा जाता है। उदार, उदर का समरूप भिन्नार्थक शब्द है, उदर होता है पेट और उदार होता है दयालु। सो इसमें देख लीजिए, ये उदर से भी निकल आता है क्योंकि ये इसका ऑप्शन पेट है, देन उदार होता है विशाल भी होता है। सो सारे ऑप्शंस देख लीजिए, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पेट, यानी विशाल और पेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए, क्या वह घर गया, उसे घर जाना चाहिए, हो सकता है अभी तुम मेरी बात न समझो और तुम मेरे साथ घर चलो। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुम मेरे साथ घर चलो। खेलो यूथ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हरियाणा किस स्थान पर रहा था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय यानी सेकंड प्लेस पर रहा था। नेक्स्ट है, हरियाणा के सिरसा जिले में किस गांव में कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोला गया है, ऑप्शंस हैं मलेका गांव, अलीका गांव, ब्रिज भृंगू गांव, कागदाना गांव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कागदाना गांव। निम्न में से कौन सा बोर्ड खादी और उद्योग के विकास से जुड़ा है, हरियाणा खादी बोर्ड, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, हरियाणा औद्योगिक बोर्ड, हरियाणा ग्रामीण विकास बोर्ड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, कैथल, कुरुक्षेत्र, भिवानी या यमुनानगर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर के आराध्य देव निम्न में से कौन है, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव।
नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? शतपथ ग्रंथ, ऐतरेय ग्रंथ, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, ऋग्वेद, ये सभी राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? हांसी, टोपरा, धुन या मिताथल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिताथल। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान, मज्जी निकाय, नकुल दिग्विजय या कथा कोश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में भी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नकुल दिग्विजय। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा गया है? पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा काल या वैदिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। सैंधव स्थल भगवान पूर्व हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, जींद, बल्लभगढ़ या नारनौल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला या फरीदाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फरीदाबाद। नेक्स्ट है, शरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पानीपत, झज्जर, बहादुरगढ़ या पेहवा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहादुरगढ़। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 तक दुर्गा शक्ति ऐप के कितने डाउनलोड हो गए थे? 19,76,000 और 20,45,63,20,35,12। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1 जुलाई 1996 से शराबबंदी कानून लागू किया गया। यह कानून कब पास किया गया था? 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1997, 1 जून 1998 या 1 अगस्त 1997। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1998। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? हांसी, सिरसा, लाडनू या बिजौलिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हांसी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ हरियाणा में किस तिथि से आरंभ हुआ था? 2 जुलाई 2019, 21 अगस्त, 28 अगस्त या 3 जनवरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 अगस्त 2019 को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेट कौन है? शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, पूनम यादव या वेदा कृष्णमूर्ति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 5 मई 1967, 3 मई 1966, 5 मई 1966, 3 मई 1967। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 मई 1967। नेक्स्ट है, फल्गु तीर्थ स्थित है कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद या अंबाला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैथल। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं? सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और कैथल। नेक्स्ट है, हरियाणा के कैथल जिले में किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव अवार्ड 2020 विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया? गांव केवड़क, गांव जगदीशपुरा, गांव मुंदड़ी या गांव ड्योड़ खेड़ी। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गांव मुंदड़ी।
हरियाणा पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करने हेतु तो दुर्गा शक्ति ऐप कब लॉन्च किया गया था? 12 जुलाई 2018, 18 जुलाई 2018, 8 मार्च 2019, 20 अगस्त 2019। राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 जुलाई 2018। भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा रचित कृति है पुरुषोत्तम महाकाव्य, भक्त भारती, सत्याग्रही प्रहलाद या फिर ये सब? राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सब यानी ऑल। सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? 1903, 1896, 1909 या 1892 में? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1909 में। हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्कर ताल स्थित है, मोरनी, सुल्तानपुर, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए मोरनी। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस जगह का पशु का मेला अत्यंत प्रसिद्ध है? जहाजगढ़, हिसार, रोहतक या बेरी? राइट आंसर है ऑप्शन ए जहाजगढ़। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में भगवान अर्जुन ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? पीपल, नीम, बरगद या टीक? राइट आंसर है ऑप्शन सी बरगद के। नेक्स्ट है, जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? सहा चोखा खोरी मेला, शिव का मेला, नाग पूजा मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला? राइट आंसर है ऑप्शन ए सहा खोचा चोखा मेला। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 पूरा करने वाले पहले भारतीय आदित्य राज कहाँ के रहने वाले हैं? गुरुग्राम हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरुग्राम हरियाणा। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।